बॉक्स से आज अगर हम रिचार्जेबल लाइट बनाएंगे, ये दो एलईडी लेंगे और एक स्लाइड स्विच लेंगे और एक चार्जिंग सॉकेट लेंगे, पुराने नोकिया वाला चार्जिंग सॉकेट, और एक हमें मोबाइल का बैटरी चाहिए और एक पुराना एलईडी बल्ब का ऊपर का कैप और उसका हीट सिंक चाहिए। अब इस बॉक्स में चार्जिंग सॉकेट के लिए एक होल कर लेंगे सोल्डरिंग आयरन से। इसके बाद इसको चाकू से साइज कर लेंगे। मैं देख सकता हूँ मैंने अच्छे से कर लिया साइज इसको। मैं देख सकता हूँ चार्जिंग सॉकेट बिल्कुल फिट आ रहा है और ऊपर पर मैंने एक छोटा सा कट कर लिया है ताकि स्लाइड स्विच को लगा सके वहाँ पर। देख सकता हूँ मैंने फिर भी क्विक से उसको अभी लगा लिया। एक इंडिकेटर लाइट लगाने के लिए मैं एक छोटा सा एलईडी ले रहा हूँ, इसके लिए भी एक छोटा सा होल कर लेते हैं। आप देख सकते हो मैं इस एलईडी में एक 1K का रेजिस्टर लगा लिया हूँ ताकि ये फ्यूज़ ना हो और इस एलईडी को पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव में और नेगेटिव साइड को नेगेटिव में कनेक्ट कर लेंगे चार्जिंग सॉकेट में। देख सकते हो मैंने कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। अब एक IN400 डायोड लेंगे जिसका एनोड साइड लगा लेंगे हम चार्जिंग सॉकेट के पॉजिटिव में और कैथोड साइड बैटरी का पॉजिटिव में लगा लेंगे और बैटरी का पॉजिटिव को चार्जिंग सॉकेट के पॉजिटिव में लगा लेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव में लगा लेंगे। इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद इसको साइड में रखते हैं। अब एलईडी को मैंने उस छोटे हीट सिंक से काट कर निकाल लिया है, इस बड़े हीट सिंक में लगा लेंगे। मैं देख सकते हो मैंने कॉपर वायर को छील रहा हूँ इस एलईडी में कनेक्ट करने के लिए। आपको क्या करना है, एलईडी को निकाल के पॉजिटिव साइड को एक तरफ रख के तो कनेक्ट कर लेना है और कनेक्ट करके मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। ये देख सकते हो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। इन दोनों को अब डबल साइड टेप की मदद से हीट सिंक में लगा लेंगे। मैं यहाँ पर एक गलती कर दिया, हीट सिंक पे लगा लिया डबल साइड टेप, इसको डायरेक्ट लगाना चाहिए था मुझे। मेरे पास फाइबर सिर्फ ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने इसको लगा लिया। ने इस वायर को नीचे से निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करना है आपको एक फाइबर स्लिप लेके एक तार पर लगा लेना है आपको ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। ये देख सकते हो मैं डाल रहा हूँ एक वायर में, आपको भी डाल लेना है ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वायर को कनेक्ट कर लेना है आपको। पहले क्या करना है, एक स्विच पे तार कनेक्ट करके बैटरी के पॉजिटिव पे कनेक्ट कर लेना है आपको। देख सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। इतना करने के बाद आपको इस डिब्बे का कैप लेना है, उसके ऊपर हीट सिंक को रख के चिपका लेना है फेवक्विक की मदद से। देख सकते हो फेवक्विक की मदद से इसको चिपका लेना है। ये देख सकते हो फेवक्विक की मदद से इसको मैंने चिपका लिया है। अब इसका ऊपर उस एलईडी का कैप को भी लगा लेना है। ये देखो मैंने अब एलईडी का कैप को भी लगा लिया है। अब इसको क्या करना है कि एलईडी का पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव पे लगा लेना है और नेगेटिव को बैटरी के मतलब स्विच के नेगेटिव में लगा लेना है दूसरे वाले पॉइंट में। ये देख सकते हो मैंने पॉजिटिव पर लगा के और स्विच नेगेटिव वायर को स्विच में लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो गया। अब इसको ग्लू गन की मदद से चिपका लेते हैं इस डब्बे के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एलईडी का कैप लगा लिया है। इसके लिए ये स्क्रू नहीं जाएगा, अगर आपके पास छोटा स्क्रू होगा तो लगा लेना, टाइट कर लेना है इसके ऊपर से। अब इसको टेस्ट करते हैं। ये देख सकते हो कितने ज़ोर से जल रहा है, वीडियो में आपको बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप ये एलईडी कितने ज़ोर से जल रहा है। देख सकते हो अब इसको चार्जिंग करके देखते हैं चार्ज हो रहा है कि नहीं।
देख सकते हो मैं चार्जिंग सॉकेट लगा रहा हूँ तो एलईडी ग्लो हो रहा है, इसका मतलब ये ठीक है।